दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे फाइंडिंग नीमो फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही जानेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट्स के बारे में भी। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। फाइंडिंग नीमो सन 2003 में आई एक एनिमेशन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म थी। इस फिल्म को एंड्रयू स्टैंटन ने डायरेक्ट किया था, इसकी कहानी भी उन्होंने लिखी थी और इस फिल्म को ग्राम वॉल्टर्स ने प्रोड्यूस किया था और इस फिल्म के लिए म्यूजिक थॉमस न्यूमैन ने दिए थे। इस फिल्म को 30 मई सन 2003 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें इस फिल्म के ओवरऑल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो इस फिल्म का बजट 94 मिलियन डॉलर था और इस फिल्म ने डोमेस्टिक में 340 मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था तो वर्ल्ड वाइड में 872 मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था और फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर इस फिल्म के कलेक्शन को इंडियन रुपीज के हिसाब से देखे तो आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट उस समय 437 करोड़ था और इस फिल्म ने डोमेस्टिक में 1584 करोड़ का कलेक्शन किया था तो वर्ल्ड वाइड में 4062 करोड़ का कलेक्शन किया था और फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 8.1 रेटिंग मिले। वहीं बात करें अवार्ड्स की तो इस फिल्म के लिए एंड्रयू स्टैंटन को बेस्ट एनिमेटेड फीचर का ऑस्कर अवार्ड मिला था। चलिए फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। नंबर एक, इस फिल्म की पॉपुलैरिटी को देखते हुए बाद में सन 2012 में इस फिल्म को 3D में फिर से रिलीज किया गया था। नंबर दो, फाइंडिंग नीमो अब तक की दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली DVD रही है। सन 2006 तक इस फिल्म की 40 मिलियन यानी 4 करोड़ से भी ज्यादा कॉपी बिक गई थी। नंबर तीन, इस फिल्म ने द लॉयन किंग फिल्म के कलेक्शन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था और उस समय की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली एनिमेशन फिल्म बनी थी। तो दोस्तों आपको ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी हॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फैक्ट्स वाली वीडियो चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।